आप गीता पर हाथ रखकर ये कसम खाइए कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं ही नेहा शास्त्री हूं। अनुज शास्त्री मेरे पति थे। जज साहब, मैं इस केस के बारे में कुछ जानती हूं जो मैं अदालत को बताना चाहती हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जज साहब, मैं और मेरे पति अनुज शास्त्री अपनी लाडली बेटी के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। हमारा सुखी परिवार था, मैं, मेरे पति अनुज और हमारी बेटी निकी। फिर एक दिन किस्मत ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। जब हमें पता चला कि हमारी बेटी को ब्लड कैंसर है, हमारी एक ही बेटी है और वो ही हमारे जीने का सहारा है और मकसद भी। हमने उसकी जिंदगी बचाने के लिए जी तोड़ कोशिशें की, कितने डॉक्टर्स, कितने हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, हर टेस्ट हर ट्रीटमेंट का खर्च उठाते उठाते हमारी माली हालत खराब हो गई। मेरे पति एक छोटे से होटल के डेस्क मैनेजर थे, उनकी पगार हमारे लिए कम होने लगे। पैसों के साथ साथ हमारी जिंदगी भी तंग होने लगे। फिर उसी समय नैनीताल में किंग्स मोटल से मेरे पति को एक जॉब ऑफर आया। पगार अच्छी थी और बेटी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो हमने फैसला किया कि मेरे पति नैनीताल में जॉब करेंगे और बॉम्बे रहूंगी और उसका इलाज करवाऊंगी। डॉक्टर्स ने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसके लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत होगी। निकी की हालत बहुत खराब थी, हमने बैंक्स और कई लोगों से लोन लेने की कोशिश की। मैं लोन उठा सकूं, इसलिए मैंने नैनीताल में सेंट लॉरेंस स्कूल में टीचर के जॉब के लिए अप्लाई किया। मुझे जॉब मिल गई। 6 अगस्त को मुझे रिपोर्ट करना था। अनुज ने मुझे बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। फिर कहीं से पैसे आने लग गए। मैंने उन्हें पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बात टाल देते थे। हमने 7 लाख रुपए जोड़ लिए थे, बस 3 लाख और चाहिए थे। वो 5 अगस्त की रात थी। हनुष ने मुझसे कहा कि आज शाम को 3 लाख रुपए आने वाले हैं। फिर उन्होंने एक फोन किया और फिर वो परेशान से लगने लगे और फिर शराब पीने लग गए। और फिर 8:30 बजे उन्होंने एक और फोन किया और जब उन्होंने फोन रखा तो बहुत गुस्से में थे और कहा कि मुझे कहीं जाना है, मुझे भी निकी से मिलने जाना था, तो मैं भी उनके साथ चली गई। हमारा ऑटो 47 कॉटेज पहुंचा, तभी मैंने जसमीत वालिया को वहां से निकलते हुए देखा। मैंने ऑटो को गेट पे खड़ा रखा और मैं उसको छोड़ने दरवाजे तक चली गई। वो अपने ख्याल में खोई हुई थी, इसलिए उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं गया। दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे, तो इसलिए मैंने इनका चेहरा साफ साफ देखा और मैं उसको दरवाजे तक छोड़ के आई और फिर सीधा ऑटो में बैठ गई और हॉस्पिटल चली गई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई और मैं वहाँ पूरी रात थी। पूरी रात क्या क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अगली सुबह मुझे पता चला कि पुलिस को मेरे पति की लाश मिली है और मेरे नाम का अरेस्ट वारंट निकला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं घबरा गई थी और उसी घबराहट में मैंने सोचा कि
मैं अंडरग्राउंड चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे सजा मिल जाती तो मेरी बेटी का क्या होता? आखिर उसकी जिम्मेदारी मुझ पे थी। मेरे फादर रॉड्रिगेस को लेटर भी भेजा कि मैं स्कूल नहीं ज्वाइन करूंगी। योर ऑनर, नेहा शास्त्री की बात को सच साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। सबूत है ये रजिस्टर, ये हॉस्पिटल का रजिस्टर है जिसमें 9 बजे नेहा शास्त्री की एंट्री है। यह बात बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कि जब अनु शास्त्री का कत्ल हुआ तो नेहा शास्त्री वहां उस वक्त नहीं थी। और मेरा गवाह वो ऑटो ड्राइवर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे अपने गवाह को पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। शास्त्री की गवाही और ऑटो ड्राइवर की गवाही से एक बात बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कि जब अनु शास्त्री का कत्ल हुआ उस वक्त जसमीत वालिया वहां नहीं थी। वो जेवियर कॉटेज से पहले ही निकल चुकी थी और जब वो उस कॉटेज से निकली उस वक्त अनु शास्त्री जिंदा थे। इन सब बातों से एक ही बात जाहिर होती है कि यह कत्ल ना तो नेहा शास्त्री ने किया है और ना ही जसमीत वालिया ने। मेरे क्लाइंट को यहां पर कटघरे में खड़ा किया गया है उस गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं है, और पुलिस अभी तक असली कातिल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मेरी अदालत से सिर्फ यह दरखास्त है कि नेहा शास्त्री को और मेरी क्लाइंट को जल्दी से जल्दी बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत जसमीत वालिया और नेहा शास्त्री दोनों को बाइज्जत बरी करते हुए इस मुकदमे को यहीं खारिज करती है। और पुलिस को आदेश देती है कि इस केस की ठीक से कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। बोलने की बारी आपकी है। थैंक्स। यू वेलकम मैडम। थैंक यू नेहा जी। पता नहीं अगर आज आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। ये तो मेरा फर्ज था और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने हिम्मत जुटाकर पहले ही आकर गवाही क्यों नहीं दी। इस केस की वजह से इल्जाम मेरे सर से भी तो हटा है। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ नेहा जी। एक बीमार बेटी की जिम्मेदारी के चलके ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला था और फिर गिरफ्तारी का खतरा। हम कितने भी अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। आप अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमसे जो भी होगा हम करेंगे। और मैंने 3 लाख रुपए का इंतजाम भी कर दिया है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको इनके जैसा पति मिला। जी नहीं, नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग पति पत्नी नहीं है, सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। Oh, I'm really sorry. Well,
आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको इनके जैसा दोस्त मिला। बहुत चिंताधीन है आपके लिए। अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। ओके। राघव जी, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके आप थैंक यू बोलना चाहती हैं ना। देखिए, अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो मुझे ये आपकी बंदिश से रिहा कर दीजिए। सिर्फ तुम, आप भी मुझे सिर्फ तुम ही कहिए। फिर से आप कह रही हैं? सॉरी, तुम। देखिए जैसी जी, ओनली जैसी। ठीक है, तो फिर आप भी मुझे सिर्फ राघव जी कह सकती हैं। आई मीन राघव। आपकी जिंदगी, तुम्हें जिंदगी में अगर कभी भी जरूरत पड़े ना एक सच्चे दोस्त की, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। देखो देखो देखो, एक मिनट, इतना लंबा प्रॉमिस कर दिया, सोच लो एक बार फिर से। कहीं वक्त के साथ मेरी मांगे बढ़ गई और तुम फुलफिल ना कर पाई तो? ऐसा नहीं होगा। अच्छा देखो, नैनीताल की ऊंची चीजों को तो तुमने नीचा दिखा दिया, लेकिन नैनीताल के जो आपके स्कूल के बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं नेहा मैम का। वहां चले उनके पास, उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। चले। व्हाट? वो जस्सी फिर से बच गए? अरे ये खुशखबरी देने के लिए तुमने मुझे फोन किया है? मलिका, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू प्लान। इस बार जस्सी के बचने के कोई चांसेस नहीं थे। पता नहीं ऐन वक्त पे वो राघव असली नेहा शास्त्री को कहां से ले आया। सारा क्लाइमैक्स ही बदल गया। यू नो व्हाट आर्यन, सब कुछ क्लाइमैक्स पर ही डिपेंड करता है, और तुम वही आके मार खा गए। मलिका, मलिका सुनो, एक काम करो, आज के बाद मुझसे कोई वादा मत करना, क्योंकि जब भी तुम मुझसे वादा करते हो ना, अपना वादा निभा नहीं पाते। डोंट एवर प्रॉमिस मी एनीथिंग, यू अंडरस्टैंड दैट? मलिका, वाह झा साहब वाह, आपने कमाल किया है। जो राघव ने किया आप नहीं कर सकते। जिस तरह आप बिके थे, क्या उस नेहा शास्त्री का पता लगाकर आप उसे खरीद नहीं सकते थे? और पर बदला, तुम ही लाए थे ना इन्हें मेरे पास, कहा था कि नैनीताल के बेस्ट लॉयर हैं, ये है तुम्हारी नैनीताल की ऊंचाई। अगर इस तरह के इंटेलिजेंट लोग भरे हैं नैनीताल में, तो तुम कहां की ऊंची चीज हो? मुझे तो तुम्हारी ऊंचाई पर भी शक होने लगा है। वो आरण जी, वो ये सब उस राघव और उस दो कौड़ी की लड़की की वजह से हुआ है। पहली बार कोई पर्वतलाल से इतनी ऊंची आवाज में बात करके गया है। अब तो आप अपना चैन जिंदगी भर के लिए भूल जाओ जस्सी जी, क्योंकि अब ये पर्वतलाल आपको बताएगा कि कितनी ऊंची चीज है वो। अरे कमाल है, यहां भी कोई नहीं है, चक्कर के राघव, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मैं जानती हूँ तुमने लॉ किया है और तुम एक लॉयर हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि तुमने मेरा केस कैसे खुलवाया, क्योंकि तुम ही तो मुझसे कह रहे थे कि कोई ताकतवर इंसान है जो नहीं चाहता कि मेरा केस खुले, और फिर नेहा शास्त्री, उसको कहा कि उसकी बेटी के इलाज के लिए तुम 3 लाख रुपए लेके आओगे। आई मीन तुम तो एक म्यूजिक टीचर हो ना, और हम लोग उतने पैसे नहीं कमाते हैं। कोई ऐसी बात है तुम्हारे गुजरे हुए कल में जो मैं नहीं जानती? देखो जैसी, हम सब लोग अपना जीवन टुकड़ों में बिताते हैं, और जब सारे टुकड़े मिलते हैं तो एक पहेली बनती है। कई बार तो पहेली मिनटों में सॉल्व हो जाती है, कभी सालों साल लग जाते हैं और पहेली सॉल्व नहीं होती। अब जिस तरह से मैं जैसी जैसी पहेली को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, वक्त के साथ तुम राघव जैसी पहेली को भी सॉल्व कर लोगी, क्योंकि जिस तरह जैसी जैसी कोई पहेली नहीं, उसी तरह राघव जैसी भी कोई पहेली नहीं। तुम बहुत अजीब हो राघव। अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म। ये लोग यहाँ पे भी नहीं है? हाँ, चक्कर क्या है? क्लासरूम में देखते हैं। ये मंजिलें हैं कौन सी? अरे यहाँ पे भी कोई नहीं है। अरे जैसी, तुम्हें पता है ना, बचपन में जब बच्चे सोते नहीं तो माँ क्या कहती थी कि जल्दी से सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। कहीं बच्चों ने ये तो नहीं सुना कि जल्दी से भाग जाओ वरना जैसी मैम आ जाएंगी। राघव। Thank you.
अब मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं यहाँ कैसे आई। मैं तुम लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से आई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और भगवान सबसे पहले और सबसे ज्यादा सिर्फ बच्चों की सुनते हैं। जैसी मैम, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, अब आप सिर्फ हमारे साथ रहेंगे, प्रॉमिस कीजिए। चूहे कोई किसी को छोड़कर नहीं जाता, वक्त पीछे छूट जाता। और वैसे भी मैं तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? तुम सबकी यादें हैं ना मेरे दिल में, और यादें परछाई की तरह होते हैं, इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ते, और तुम सब मेरी परछाई हो। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम सबसे मिलने आया करूँगी। हाँ, और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि मैं बहुत जल्द तुम सबको अपने अपने सपनों का आसमान छूते देखूंगी, जहाँ तुम सबकी आंखों में कामयाबी के सितारे होंगे। विल रियली मिस यू जस्सी मैम। आई मिस यू टू। ये लड़की है तो मिडिल क्लास फैमिली की, लेकिन इसके अरमान हाई क्लास सोसाइटी के हैं। महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, महंगे शॉप, और इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए रात एक नया हम सफर। इनके चरित्र को ध्यान में रखते हुए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ऐसी औरत समाज के नाम पर एक मजाक है, बदनामी है, खतरा है और एक शर्मिंदगी है। आपको पता है मैंने यह कैंडल क्यों जलाई? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाबा जी मुझे आशीर्वाद दे, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उन सब लोगों से लड़ सकूं जिन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाए। मुझ पर लोगों ने हमेशा इल्जाम लगाए राघव, मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी, मेरी यादों, मेरे इरादों पर, यहां तक कि मेरे प्यार पर भी लोगों ने सवाल उठाए। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत सह लिया, हमेशा ये सोचकर कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं सिर्फ हार लिखी है। लेकिन इस बार लोगों ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया राघव, और मैं इसे वक्त या किस्मत का धोखा समझ के चुप नहीं बैठूंगी। मैं लड़ूंगी, मैं अपने सम्मान के लिए लड़ूंगी, अपने पापा जी और मम्मा के सम्मान के लिए लड़ूंगी, एक आम लड़की के सम्मान के लिए लड़ूंगी मैं, जिन्होंने मेरे वजूद को एक सवाल बना दिया। लेकिन कैसे, मैं पता नहीं कौन होंगे वो लोग जिन्होंने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। वादा है हमारा आपको जा साहब कि उस लड़की को तो हम हैरान हो ना मुझे यहां देखकर। कोर्ट में मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर तुम लोगों ने तो यही सोचा होगा कि शायद जस्सी किसी को भी अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं रही होगी, है ना? तुम गलत हो। हर इम्तिहान में मैं कामयाब हुई हूं, अपनी खामोशी से बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है मैंने। हर वक्त मैं अपने दुश्मनों को माफ करती आई हूं, क्योंकि हर वक्त मैंने यही समझा कि इंसान नहीं हालात बुरे होते। लेकिन मैं चूक गई। अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि हालात इंसान खुद बनाता है, और अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और जिस जिसने मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाई है ना, हर उस इंसान को इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। ओ नहीं नेहा जी, हमारा मतलब है जसमीत वालिया जी, आप बिल्कुल गलत। तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मिस्टर रुचि चीज,
तुम दोनों जिस इंसान के हाथों की कठपुतलियां बन चुके हो ना, उससे कह देना कि गुजरते वक्त का हर पल मुझे उसके और करीब ला रहा है, समझे तुम? और उसे ये भी कह देना कि अपनी हिफाजत का इंतजाम करना शुरू कर दे, क्योंकि अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और अगर इसके लिए मुझे मुंबई भी जाना पड़े ना तो मैं जाऊंगी। तो आप लोग हमको धमकी दें, खबरदार, उंगली नीचे। मैंने कहा नीचे। तुमने बहुत अच्छा किया, और जो कोई भी है अब उसे हमारा मैसेज मिल जाएगा, उसे अब सामने आना ही होगा। क्या हो गया भाई पर्वताल जी? देखा आपने आर्यन जी? सुना क्या कह के गई वो दो टके की लड़की? सुना सुना मैंने, दिल की भड़ास थी उसकी जो बाहर निकल आई, मगर इतनी नफरत, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है उसके लिए। मगर इस जुनून की आग को अगर हवा दी जाए तो अच्छा खासा ज्वालामुखी बन सकता है। लेकिन वही ज्वालामुखी अगर हमें भस्म कर गया तो? अच्छा, आप तो घबरा गए, इतनी आसानी से मत घबराइए। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूं कि इस आग को मलिका के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। मतलब क्या है आपका? जानना चाहती है ना वो ये सब के पीछे कौन था? हम बताएंगे उसे ये सब के पीछे कौन था।